हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स है वो कैसे पता करें। तो सबसे पहले मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो एरे में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर ए ऑफ 5, उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे लिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें 5 इंटीजर्स को रीड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्कैनफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस से स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 0। सेकेंड बार स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 1। थर्ड टाइम मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 2। फोर्थ टाइम मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 3। फिफ्थ टाइम मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 4। यानी कि यहाँ पे जो मैंने 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा, उसकी जगह पे मैं एक ही बार स्कैनफ स्टेटमेंट लिखू तो मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने a ऑफ 0 को रीड किया है और सबसे लास्ट में a ऑफ 4 को रीड किया है। यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। और लूप के अंदर हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i। अब स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम a ऑफ 1, थर्ड टाइम a ऑफ 2, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 ऐसा मैसेज देगा। अभी हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 2 की वैल्यू -5 है, a ऑफ 3 की वैल्यू -9 है और a ऑफ 4 की वैल्यू 0 है। अभी यहां पे हम ध्यान से देखें तो पहला इंटीजर रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा पहला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर के काउंट अभी 1 हो गया और अभी तक हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं मिला, तो यानी कि हमारा नेगेटिव इंटीजर का काउंट 0 है। सेकंड नंबर चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अब हमारे पॉजिटिव इंटीजर का काउंट 2 हो गया और नेगेटिव इंटीजर का काउंट 0 हो गया। फिर थर्ड इंटीजर रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारा नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का काउंट वैसे का वैसे रहेगा और नेगेटिव इंटीजर का काउंट 1 बढ़ जाएगा। फोर्थ इंटीजर रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर का काउंट वैसे का वैसा रहेगा और नेगेटिव इंटीजर का काउंट 1 बढ़ जाएगा। और लास्ट इंटीजर रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, लेकिन हम 0 को अगर पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर कंसिडर करें तो पॉजिटिव इंटीजर के काउंट में 1 बढ़ जाएगा और नेगेटिव इंटीजर का काउंट वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि 2। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक के सारे इंटीजर्स को रीड किया है, यानी कि हमें ऊपर जैसे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ और उसके अंदर ऊपर जैसा सेम लॉजिक लिखता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और जिसके अंदर कंडीशन के तौर पर रखता हूं कि a ऑफ i इज लेस देन 0, यानी कि अगर a ऑफ i की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो हमारा नेगेटिव नंबर है, तो हमें नेगेटिव इंटीजर का काउंट में 1 बढ़ाना है, और अगर वो नहीं है तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर के काउंट में हमें 1 बढ़ाना है। अभी जब हमने एक भी नंबर चेक नहीं किया था उस वक्त हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर का काउंट और नेगेटिव इंटीजर का काउंट 0 होगा, यानी कि लूप के बाहर हम लिख देते हैं कि सीपी यानी कि काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू CN यानी कि काउंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। और सभी नंबर चेक कर लेने के बाद हम लूप के बाहर
दोनों के दोनों वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, यानी कि हम लिखते हैं कि टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो सीपी से रिप्लेस होगी। उसके बाद सेकेंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर हम मैसेज देंगे टोटल नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी है वो सी एन से रिप्लेस हो जाएगा। अभी लूप के अंदर हमने आई, सी पी और सी एन तीन वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर आई, सी पी और सी एन, यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 2, a ऑफ 1 की वैल्यू 3, a ऑफ 2 की वैल्यू -5, a ऑफ 3 की वैल्यू -9 और a ऑफ 4 की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 3 एंड टोटल नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 2, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी ही हमने ये पांचों इंटीजर्स के लिए पॉजिटिव इंटीजर का काउंट और नेगेटिव इंटीजर का काउंट फाइंड किया है। अभी यहाँ पे हमने लूप के अंदर i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे i लेस देन और इक्वल्स टू 4 की जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सपोज यहाँ पे हमने 5 इंटीजर में से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मुझे 10 इंटीजर्स के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का काउंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, नीचे i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट वाले फॉर लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एरे की साइज चेंज होती है तो हमें 3 जगह पे चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट परफेक्ट आएगा, अदरवाइज उसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं और उस कांस्टेंट से सभी जगह को रिप्लेस कर देते हैं, ताकि सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करने से हम कोई भी साइज के एरे के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं ऊपर लिखता हूं कि हैश डिफाइन 10 और 10, यानी कि अभी जहां जहां पे भी मैंने 10 लिखा है वहां पे मैं n लिख देता हूं, तो सभी जगह पे अब n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अभी सपोज यहां पे मुझे 10 की जगह पे 20 इंटीजर के लिए इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं सिर्फ ऊपर एक जगह पे n की वैल्यू 20 कर दूंगा, तो पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू 20 से रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि ये तरीका 3 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 13, 2 की वैल्यू 23, 3 की वैल्यू 54, 4 की वैल्यू -9, 5 की वैल्यू -5, 6 की वैल्यू -98, 7 की वैल्यू 0, 8 की वैल्यू 98 और 9 की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 7 और टोटल नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 3, जो कि परफेक्टली सही। लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर्स हमने इंसर्ट किए हैं, उस इंटीजर्स के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आंसर मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इंटीजर्स है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।